हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम प्रॉफिट लॉस का अगला क्लास लेते हैं। अगला क्लास में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया वो आपके सामने है। एक फल विक्रेता को 40 आम बेचने पर, कितना बेचने पर? 40 आम बेचने पर 10 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे देखते बनाते हैं वो देख लीजिए तरीका। पहले बोला कि 40 आम बेचने पर, तो भाई 40 आम को बेचना है ना, बेचना मतलब एसपी लिख देंगे। चलिए, 40 आम को बेचने पर 10 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके बराबर लाभ होता है? तो 10 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी क्रय मूल्य मतलब सीपी समझना है, क्या समझना है? तो 10 गो सीपी के बराबर क्या हो जाता है, इसको लाभ हो जाता है। और लाभ रहेगा तो उसको प्लस से इंडिकेट कर देना है। इधर तनका जगह छोड़ दीजिए, इसका क्या मतलब है देखिए। इधर जितना सीपी चाहे एसपी देगा ना, इसको उलट के इधर लिख दीजिए। अगर इधर एसपी देता है तो इधर सीपी हो जाएगा, और इधर सीपी देगा तो इधर एसपी हो जाएगा। 40 एसपी है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 40 सीपी हो जाएगा। बात समझ के, अगर इधर एसपी देता है इधर जाके सीपी हो जाएगा, और अगर सीपी देता है तो एसपी हो जाएगा। यहाँ से देखिए, एसपी है इधर, इस दोनों सीपी है, यहाँ क्या हो जाएगा 40 एसपी और बराबर के इधर 50 सीपी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है वो जरा समझिए। 50 को खरीद के लाता है या 40 को बेच देता है? 50 को खरीद, सीपी मतलब खरीदना, एसपी मतलब बेचना। 50 को खरीद के लाता है, 40 को बेच देता है, लाभ कितना के हो गया सो देख लीजिए। यानी कह सकते हैं कि 50 को आम खरीद के लाया, 40 को आम बेच दिया, तो 10 को आम का प्रॉफिट हुआ ना, 10 को आम का प्रॉफिट हुआ। और जब ये वस्तु का केस है, यहाँ पर वस्तु की बात कह रहा है, तो वस्तु का केस में क्या करते हैं, वस्तु के केस में एसपी को नीचे रखते हैं। किसको रखते हैं? एसपी को नीचे रखते हैं। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, एसपी को नीचे रखते हैं। तो इसमें बताइए एसपी कितना है, तो एसपी 40 है, गुणा कर देते हैं 100 से, प्रतिशत लगा करके। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और दो से कट जाएगा, ये पांच बार में, दो से एक दो बार में, दो से पांच बार में, यानी क्या 50 का 25, यानी 25 प्रतिशत का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, हमको दिया 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमको यहाँ पूछा कि लाभ या हानि बताइए। लाभ हानि के लिए क्या किए, 40 को वस्तु का यानी आम था तो आम के लेकर चलते, वस्तु की बात चलते हैं। तो 40 आम बेचना था उसको, तो 40 आम बेचा, 10 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, 10 को आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। कॉन्सेप्ट हमारा यह था। यहाँ पर क्या करना है, वस्तु की बात है, वस्तु के केस में एसपी को नीचे रखते हैं, और रुपया पैसा के केस में हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह होगा। एक और दो क्वेश्चन से आपका हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसी तरीका से बन जाएगा। क्या कहा कि एक फल विक्रेता को 30 फल बेचने पर, इस बार कितना फल बेचता है, 30 गो फल। ये पहला क्वेश्चन का हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन का हो गया। 30 गो फल ना बेचता है, तो 30 गो फल बेचता है, बेचना मतलब एसपी हो जाता है, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 30 सीपी हो जाएगा। अब क्या कहा, 10 फल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इस बार हानि हो रहा है, हानि के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं 10 फल के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तो 10 को क्रय मूल्य मतलब क्या हो जाता है, सीपी ना, क्रय मूल्य मतलब सीपी। अब देखिए, ये 30 एसपी का 30 एसपी हो जाएगा, 30 सीपी में से 10 सीपी जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 सीपी। इसका मतलब है कि 20 को वस्तु खरीद के लाता है, 30 को वस्तु उसको बेचना पड़ जाता है। यानी हानि सीधा सा हो गया, 10 वस्तु का हानि हो गया, 10 वस्तु का, तो 10 वस्तु का हानि। या वस्तु के केस में एसपी को हमेशा नीचे रखते हैं, 30 को नीचे रखेंगे, 100 प्रतिशत से गुना कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 33 गुना के कोटा 3 प्रतिशत का इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर हानि हो जाएगा। बात आप समझ गए। तो यह हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ, जो इसी टाइप का क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं जरा। तो इसको मिटाना पड़ेगा तीसरा क्वेश्चन के लिए। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जाता है वो जरा समझ लीजिए। आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन। एक फल विक्रेता को 25 फल बेचने पर, 25 को फल बेच रहा है भाई, टाइप समझिए और तो बनाने का तरीका समझिए। टाइप बाय टाइप हम वीडियो डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फल विक्रेता को 25 को फल ना बेचना है, तो 25 क्या हो जाएगा, बेचना है मतलब एसपी हो जाएगा, और ये बराबर उधर डायरेक्टली लिख देंगे क्या हो जाएगा, 25 सीपी हो जाएगा। इतना तक तो क्लियर है। तो 25 फल बेचने पर 5 फल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ ना हुआ तो लाभ के लिए प्लस, और 5 फल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 5 गो फल का विक्रय मूल्य है, तो 5 एसपी हो जाएगा। अब देखिए, इधर 25 गो एसपी, इधर 1 गो एसपी, तो एक जैसा कैटेगरी को इधर रख लेना है हमको, तो 25 एसपी हो जाएगा इधर, और उधर से 5 एसपी हमको आके घट जाएगा, और बराबर के क्या हो जाएगा, 25 सीपी। ऐसा ना कि 25 सीपी या 5 एसपी जोड़ दीजिएगा, पिछले
जो भी क्वेश्चन था हमारा ये दोनों एक जैसा था, यहाँ सीपी था यहाँ भी सीपी होता था तो हम उसको जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ अलग अलग आ गया तो एक तरफ करना पड़ेगा। 25 SP में से 5 SP कितना था 20 SP, बराबर कितना 25 SP SCP हो जाएगा। देखिए यानी कहने का मतलब है कि 25 को खरीद के लाए और 20 को बेचा तो 5 का तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ, लाभ कितना हो जाएगा 5 वस्तु का लाभ हो जाएगा। वस्तु के केस में SP को नीचे रख देते हैं, गुना हो जाएगा 100% से 5 गए यहाँ 5 आई हो जाएगा 5 × 4 से कितना बार में 25 बार, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि 25% का लाभ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और हम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर ही देते हैं चौथा क्वेश्चन से। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लेते हैं। एक व्यक्ति को 50 वस्तु बेचने पर, 50 वस्तु बेच रहा है इस बार, तब बेच रहा है तो 50 SP हो जाएगा ना भाई, उधर डायरेक्टली इसको ले जाइए ना तो 50 CP हो जाएगा। चलिए समझ गए लाभ हानि क्या का, तो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, इस बार क्या हो जाता है हानि हो जाता है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 SP हो जाएगा। बात समझ गए। अब देखिए ESP या ESP है एक तरफ लाना पड़ेगा, तो 50 SP धरा प्लस का उधर से 10 SP आ जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा 50 CP हो जाएगा। फास्ट में पढ़िए, फास्ट में 50 और 10 कितना हो जाएगा 60 SP, बराबर का कितना हो जाएगा 50 CP हो जाएगा। अब देखिए 50 को खरीदा 60 को बेचा, हानि तो होना ही था तो हानि कितना हो जाएगा, देखिए हानि प्रतिशत डायरेक्ट निकाल लेते कितना का हानि हो रहा है, तो 60 में और इधर 50 में 10 का अंतर है, 10 का अंतर है यानी 10 वस्तु एक्स्ट्रा उसको बेचना पड़ जाता है, हानि हो जाता है। और नीचे रखेंगे 60 को, नीचे रखेंगे 60 को गुना करेंगे 100% से, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको आप काट सकते हैं 50 बार में, इसको 3 बार में यानी 16.2/3% इसका क्या हो जाएगा आंसर, और किसमें आएगा आंसर हानि में आ जाएगा। बात समझ गए। क्रय मूल्य के बराबर लाभ या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ जब कहेगा, बराबर लाभ कहेगा, तो उस तरह के क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, बहुत आसानी से बना लेंगे, बहुत ही फास्ट तरीका है। तो क्या करना है, अब आपको सेशन समझ में आया हो, क्वेश्चंस अच्छा अच्छा लाए हैं, बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, क्या करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करना मत भूलना है। तो चलिए अगले क्लास में हम अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।